नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर सलाम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे डोमेन को बाय करते हैं, कैसे होस्टिंग बाय करते हैं, और कैसे डोमेन और होस्टिंग एक साथ बाय करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम कभी डोमेन किसी अलग वेबसाइट से बाय करते हैं और होस्टिंग किसी अलग वेबसाइट से बाय करते हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि कई बार हमको डोमेन किसी वेबसाइट पर बहुत सस्ता मिलता है, और कभी कभी हमको होस्टिंग जो होती है किसी अदर वेबसाइट पर बहुत सस्ती मिलती है। अब दिक्कत ये आती है कि अगर दो अलग अलग हमारे पास वेबसाइट है, जिससे हमने दोनों चीज़ें अलग अलग बाय की, एक से डोमेन बाय किया है और एक से होस्टिंग बाय की है, तो इनकी मैपिंग कैसे करें। तो आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हमने अलग अलग, जैसे होस्टिंग अलग वेबसाइट से बाय की है और डोमेन अलग वेबसाइट से बाय किया, तो इन दोनों को मैप कैसे करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जो डोमेन बाय किया वो गोडेडी से बाय किया है और होस्टिंग बाय की बिगरॉक से। अब मैं गोडेडी के डोमेन को बिगरॉक की होस्टिंग से कैसे मैप करूँ, तो उसके लिए हमको सबसे पहले चलना है जहाँ से हमने हमारा डोमेन बाय किया है। तो जैसे कि मैंने अपना डोमेन बाय किया गोडेडी से, तो उसमें मैं जाऊँगा उस वेबसाइट पर। तो आपको यहाँ पर आकर सबसे पहले ओपन करना है in.godaddy.com। यहाँ पर आने के बाद आपको इसमें लॉग इन करना है। यहाँ पर आप देखोगे राइट हैंड साइड पर एक साइन इन का ऑप्शन आएगा, इस साइन इन पर आपको क्लिक करना है। और इस साइन इन बटन पर क्लिक करोगे आप, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए दो फील्ड आएंगे। इसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। ये वो यूज़र नेम और पासवर्ड होगा जो जब आपने डोमेन बाय किए होंगे उस टाइम ये आपके मेल पर आया होगा, जैसे मेरे पास प्राप्त हुआ है। जैसे ये यूज़र नेम, ये कस्टमर नंबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जब आपने डोमेन लिया होगा तो आपके मेल पर ही आया होगा। तो मैं यहाँ पर अपना मैं कस्टमर नंबर डाल देता हूँ। ये मैंने अपना कस्टमर नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया है। कस्टमर नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड आपने सेट किया होगा अकाउंट बनाते टाइम, वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है और इस साइन इन बटन पर क्लिक करना है। तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ से वेरीफाई कर रहा है, तो एक टेक्स्ट मैसेज ये मोबाइल नंबर पर आएगा। मैं इस पर एंटर कर नेक्स्ट कर देता हूँ और एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। वेरीफाई पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। ये गोडेडी का अकाउंट है जिससे मैंने डोमेन लिया था। ऐसे ही मेरे को क्या करना है, बिग रॉक्स वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर मेरे को उस जहाँ से मैंने होस्टिंग खरीदी थी उस अकाउंट में लॉग इन करना है। तो मैं bigrocks.in वेबसाइट यहाँ पर ओपन करूँगा। मैंने टाइप किया bigrocks.in और टाइप करने के बाद आपको ये इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर आना है और इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जिस भी ईमेल आईडी से यहाँ पर अकाउंट बनाया होगा वो ईमेल आईडी आपको डालना है। होस्टिंग बाय करते टाइम आपने जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर डाली होगी वो आपको यहाँ इंटर करना है और वो पासवर्ड डालना है। तो मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। और ये लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही हम होस्टिंग, जो बिगरॉक से हमने होस्टिंग परचेस की है, उसके हम लॉगिन प्रॉम्प्ट पर आ जाएंगे। और यहाँ पर हमने जो होस्टिंग परचेस की है, जैसे कि मैंने एक शेयर्ड होस्टिंग परचेस की है मल्टी डोमेन, तो किस यूआरएल से मैप है वो, किस डोमेन से मैप है, browseaver.com से। तो हमको क्या करना है, इस वेबसाइट के यूआरएल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नेम सर्वर का, तो इस नेम सर्वर पर क्लिक करना है। तो ये जो नेम सर्वर है किसका है, बिगरॉक्स का। आप देख रहे होंगे ये दो नेम सर्वर है, इन दोनों नेम सर्वर को हमको कॉपी करना है। इन दोनों नेम सर्वर को कॉपी करना है और इन नेम सर्वर की एंट्री हमको कहाँ पर करना है, जहाँ से हमने डोमेन परचेस किया है। अभी उसका खुद का नेम सर्वर होगा, जैसे बिगरॉक्स है तो
तो उसका नेम सर्वर अलग है जिससे वो उसको आइडेंटिफाई करता है वर्ल्ड वाइड वेब पर। ऐसी गोडेडी जो है उसका खुद का नेम सर्वर होगा। अब हमको गोडेडी के डोमेन को बताना पड़ेगा कि आपको जब भी एक्सेस करना है होस्टिंग को तो इस नेम सर्वर को कॉल करना पड़ेगा। तो इस नेम सर्वर, ये दोनों नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2 की एंट्री हमको कहाँ पर करना पड़ेगा? बिग रॉक्स के डीएनएस के नेम सर्वर के अंदर। कैसे करना है? तो हमको सिर्फ पर इन दोनों डीएनएस ये नेम सर्वर को कॉपी करना है। कॉपी करके हमने अभी आप देखा था कि हम लोगों ने गोडैडी के अकाउंट में लॉगिन करना है। यहाँ से हम हमारे प्रोडक्ट पर चले जाएंगे। प्रोडक्ट पर जाने के बाद हमारा हमको डोमेन मिल जाएगा, ये browserworld.com। उसके बाद हम यहाँ डीएनएस में चले जाएंगे। डीएनएस में जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नेम सर्वर का। यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे इसमें ये ऑलरेडी बिग रॉक्स से मैप है। यहाँ पर जो नेम सर्वर डाला हुआ है बिग रॉक्स का डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी मैप कर चुका हूँ गोडेडी के डोमेन को बिग रॉक की होस्टिंग से। लेकिन आपके केस में यहाँ पर जो नेम सर्वर होगा वो किसका होगा? गोडेडी का होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चेंज बटन पर क्लिक करना है। चेंज बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको पहला नेम सर्वर कॉपी करना है और उसको यहाँ पेस्ट कर देना है। ऐसे दूसरा नेम सर्वर कॉपी करना है और उसको यहाँ पेस्ट कर देना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए मैं इसमें आगे प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ। आप जैसे ही सेव करोगे तो ये 24 घंटे से 48 घंटे का टाइम लेता है प्रॉपर मैपिंग करने की, क्योंकि जो नेम सर्वर है उसकी एंट्री मल्टीपल जगह होती है। तो ये करीब करीब 24 से 48 घंटे का टाइम लेता है। तो आप इसको 24 से 48 घंटे के बाद चेक करोगे आप तो इसकी मैपिंग प्रॉपर हो चुकी होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि कैसे हम बिग रॉक गोडेडी की बिग रॉक से मैपिंग कर सकते हैं सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर साला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप प्राप्त कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर साला।